हेलो दोस्तों, जैसे कि फ़िश फ्राई, फ़िश करी, फ़िश सांभर, फ़िश सालन, फ़िश मसाले जाल, जो भी आप उसको कहेंगे वही। लेकिन हम इसी तरह से बनाएंगे और सिंपल सी रेसिपी होंगी हमारी और टेस्ट होगा बेटर, टेस्ट बेटर फूड। जैसे कि हम जो भी हमारे फ़िश के पीस है उसको अच्छी तरह से धोकर एक साइड डाल देंगे, एक आधे कोई इसमें, तो हम उसको अच्छी तरह से धो लेंगे। और उसके बाद जो भी हमारा गैस चूल्हा है उस पर हम थोड़ा तेल डालकर थोड़ा गर्म होने देंगे तेल को। जैसे कि आपका तेल गर्म हो रहा है, थोड़ा गर्म होने के बाद अब थोड़ा सा मसाले वो सब अपने पास ले लीजिए, हल्दी मसाले, मिर्ची, परवीन पुड़ी, जो भी पुड़ी है वो ले लीजिए और थोड़ा मिक्स कीजिए। जैसे मिक्सचर कीजिए, सारे मसाले को एक साइड में मिक्स कीजिए बराबरी में। जैसे कि इस तरह से हमने मिक्स कर दिया है सारे मसाले को, और ऊपर टमाटर कोथिंबीर को डालकर तेल डालकर उनको थोड़ा सा भुनने के लिए हमने तैयार किया है। जैसे कि आप देख रहे होंगे जैसे कि हमारे जो चूल्हा गैस है उस पे जो टमाटे वो है तो थोड़े गर्म हो रहे, भुने जा रहे। हम उसे थोड़ा सा अच्छे तरह से फ्राई करेंगे टमाटर और कोथिंबीर को, और नीचे हम थोड़ा मसाले को मिक्स करते हैं। जैसे कि मसाले हम मिक्स कर रहे हैं, हल्दी वो सब मिला के, हमारे पास जितने भी तरह के मसाले, हम सभी मसाले को मिक्स करेंगे बराबरी में, और मिक्स कर कर हल्दी भी मिक्स करेंगे। जिस तरह से मैं मिक्स कर रहा हूँ उसी तरह से आप भी मिक्स कर सकते हो। उसके बाद हमारा अदरक लहसुन का जो पेस्ट है उसको हम डालेंगे। जैसे कि आपके पास भी अदरक लहसुन का थोड़ा पेस्ट होगा तो आप डाल दीजिए, बना लीजिए। बनाने के बाद जैसे कि हर चीज़ के जो मटन का हो या फिश का हो उसको अदरक लहसुन का पेस्ट लगता ही है। जैसे कि अब हम इसको अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर थोड़ा उसको घुमाएंगे, थोड़ा तलेंगे, थोड़ा फ्राई करेंगे। जिस तरह से फ्राई हो रहा है उसका इंतज़ार कीजिए और उसे फ्राई होने दीजिए। भून रहे मसाले को और थोड़ा सा गर्म होने दे रहे, फ्राई होने दे रहे। जिस तरह से फ्राई होगा उसी तरह से फ्राई होने देंगे। जिस तरह से गर्म हो रहा है उसे गर्म होने देंगे, गर्मा गर्म हो रहा है उसे भूनते रहेंगे, तलते रहेंगे, उसे फ्राई करते रहेंगे। जिस तरह से जब तक उसका पानी तरी या तेल ना निकल जाए उस तरह से हम उसे फ्राई करेंगे। टमाटर अदरक लहसुन सब जो पेस्ट हमने डाला है आपने जो जो देख लिया है उसी तरह से हम प्रोसेस कर रहे हैं, और सिंपल प्रोसेस है, ज़्यादा कोई हैवी नहीं है, ज़्यादा कोई मटेरियल लगता नहीं है। हम कम मटेरियल में हम अच्छा टेस्ट बनाएंगे, बेटर टेस्ट बेटर फूड। और जैसे कि मी और बेस्ट मॉम रेसिपी को चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जिस तरह से आप चैनल देख रहे हैं उसी तरह से हम शुरुआत करते हैं अगली प्रोसेस की। जैसे हमने जो मसाला वो ये किया है मिलाकर रखा है उस मसाले को अब हम इसमें डालते हैं। इस तरह से हमने इस मसाले को इसमें डाल दिया है और उसे अब थोड़ा सा ये करते हैं, फ्राई करते हैं, थोड़ा मिक्सचर करते हैं। मिक्सचर करते रहिए जब तक वो अच्छी तरह से मिक्स ना हो जाए और उसकी खुशबू ना आए। जैसे कि हम मसाला मिक्स करते हैं तो खुशबू आनी शुरू हो जाती है। इसमें आप बहुत सारे मसाले यूज़ कर सकते हैं, मटन मसाला, बिरयानी मसाला, सांभर मसाला, बहुत सारे मसाले यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम कम मसालों में यूज़ कर रहे हैं और कम मसालों में ही हम काम चला रहे हैं मिक्स करके। जैसे कि आप देख रहे होंगे मसाला अच्छी तरह मिक्स हो रहा है। इसी तरह से हम मसाले को मिक्स करते रहेंगे और मिक्स करते करते अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मसाला मिक्स अच्छी तरह भुनने दीजिए, थोड़ा गर्म होने दीजिए, उसको अच्छी तरह से पकने दीजिए। पकने के बाद फिर हम एक फिर अच्छी तरह से और देख लीजिए 5-10 मिनट, 5 या 4-5 मिनट बहुत हो गया। अच्छी तरह से 4-5 मिनट तक उसे अच्छी तरह से ये कीजिए। फिर आपके मुताबिक आपके नमक डाल दीजिए, जो मीट होता है नमक वो डाल दीजिए। आपको जितनी क्वांटिटी में चाहिए उतनी क्वांटिटी में आप नमक डाल सकते हैं, आपका उसी क्वांटिटी में आप नमक डाल दीजिए। और नमक क्वांटिटी में ही डालिए, आपकी जो भी क्वांटिटी में है उसी क्वांटिटी में डाल दीजिए। फिर उसके बाद जो भी आपकी फिश के पीसी से पीस यानी जो उसके जो भी टुकड़े हैं वो आपको बराबर डाल देना है। आराम से डालिए, ज़्यादा घाई नहीं कीजिए,
फ्राई करने के बाद वो फूट जाएगा, टूट जाएगा। तो इसीलिए आप उसको अच्छी तरह से डाल दीजिए, जो फिश के पीसीस है। फिश के पीसीस डालने के बाद उसे अच्छी तरह से मिक्स कीजिए मसाले में, जैसे कि हम पूरे पीस डाल रहे हैं, और पीस अच्छी तरह से डाल दीजिए, पूरे पीस पीस अच्छी तरह से मिक्स कीजिए, जितने सारे पीस है उतने सारे डाल दीजिए। जैसे कि हम पीस डालने के बाद, पीस डालने के बाद हम मसाले को अंदर मिक्स करेंगे अच्छी तरह से, जो भी हमने मसाला अंदर ही गरम किया है। जैसे कि हम पहले पीस डाल देते, पीस हमने बहुत ज़्यादा पीस लिए हैं, बहुत ज़्यादा पीस होने के बाद थोड़ा मसाले मिक्स करने में थोड़ी दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है। जैसे कि हम इसे मिक्स कर रहे हैं, अब अच्छी तरह से मिक्स कीजिए चम्मच से, आराम आराम से मिक्स कीजिए अच्छी तरह से मसाले को, अच्छी तरह से मिक्स कीजिए मसाले को। जब तक मिक्स कीजिए, जब तक अच्छी तरह से मिक्स ना हो जाए तब तक मिक्स कीजिए, अच्छी तरह से मिक्स करते रहिए, अच्छी तरह से मिक्स करते रहिए जब तक मिक्स ना हो जाए। अच्छी तरह से मिक्स हो रहा है, उसी तरह से मिक्स करते रहिए। जैसे कि अच्छी तरह से मिक्स होने दीजिए उसे, जब तक मसाले में पूरी तरह से पीसेस मिक्स ना हो जाए तब तक उसे मिक्स करते रहिए। उसके बाद जो भी आपका खोबरे का ये पेस्ट है, खोबरा और फुटाने या चने, चने जो होते हैं चने की दाल, उसका भी कोई ये यूज़ करता है, तो हम फुटाने और खोबरे का जो पेस्ट बनाया है हम उसी को ही यूज़ करेंगे। उसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करते रहेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, अच्छी तरह से थोड़ा सा ये होने देंगे मसालों में। आप देख रहे होंगे अच्छी तरह से मिक्स हो रहे हैं, और थोड़ा जो उसका रस्सा है या जो भी उसका सालन है या जो भी उसकी ये है, तो वो अच्छा सा घट है। अभी हमें उसे अच्छी तरह से डुबाना है कि पूरी तरह से वो पक जाए। जो भी पीसेस ऊपर है उसे हम नीचे दबाकर थोड़ा सा अच्छी तरह से पकने देंगे। अच्छी तरह से पकने में कम से कम 10 से 15 मिनट लग जाते हैं, तब तक हम इंतज़ार करेंगे अच्छी तरह से पकने का। जिस तरह से आप देख रहे हैं इस तरह से अभी पक रहा है, अच्छा गर्म होने दीजिए। उसके बाद जो पक जाएगा तो आप उसको यूज़ कर पाएंगे, उसका टेस्ट ले पाएंगे। जैसे कि हमारी सांभर करी बन चुकी है, हमारा सालन बन चुका है, सब कुछ बन चुका है। जो